नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अमित मेशराम जी लिखते हैं, सर प्लीज, थ्री फेज लोको एंड कन्वेंशनल लोको में कन्फ्यूजन है, कैसे पहचाने लोको? सर प्लीज ये डाउट क्लियर कर दीजिए और लोको के नेम भी बताएं, किसमें आते हैं, थ्री फेज या कन्वेंशनल में। तो ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इनकी तरह और भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो भी इस वीडियो को देख लेवे तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। धन्यवाद। तो हमारे साथी अमित मेशराम जी पूछ रहे हैं कि कन्वेंशनल लोको और थ्री फेज लोको को कैसे पहचाने। देखिए, वैसे तो ये सवाल बहुत ही एकदम सरल है, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेज होती है और दूर से ही देख के लोको पहचान में आ जाता है। लेकिन मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता। आप कोई भी छोटा सा छोटा सवाल भी पूछ सकते हैं, चाहे वो सबको आता हो, लेकिन अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप उस सवाल को पूछ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं डायरेक्ट कमेंट में भी उत्तर दे सकता हूँ और वीडियो बनाकर भी उत्तर देने की ट्राई करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा रनिंग स्टाफ जो है वो फुल्ली कॉन्फिडेंस में होकर ट्रेन को ऑपरेशन करे और ट्रबल शूटिंग आसानी से कर सके, क्योंकि अगर नॉलेज ठीक होगा तभी तो ट्रबल शूटिंग कर पाएगा। दोस्तों, मैंने और भी इसी प्रकार आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर जो भी वीडियो आपको देखना हो देखें। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जाएंगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा वीडियो है कौन सा नहीं है। तो प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग छांट के वीडियो बनाए हुए हैं। और ऑडियो सुनना हो कभी तो खबरी ऐप पे मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रबल शूटिंग से संबंधित ऑडियो या नॉलेज बढ़ाने वाले ऑडियो लोगों का वो भी भेजता हूँ। तो खबरी ऐप का भी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वहाँ भी जाके आप ऑडियो सुन सकते हैं। बात करते हैं कन्वेंशनल लोको और थ्री फेज लोको को पहचानने की। देखिए, वैसे तो ये लोको दूर से ही समझ में आ जाता है, जैसे ग्रीन कलर का दिख रहा है तो WAG 9 लोको थ्री फेज लोको है, और थोड़ा व्हाइट कलर का और पट्टा बीच में है तो वो भी थ्री फेज लोको है, WAP 5 और WAP 7 है। और कन्वेंशनल लोको जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं, इस प्रकार कोई ग्रीन कलर के भी WAG 7 होता है, और उसका आकार थोड़ा थ्री फेज लोको से डिफरेंस होता है। थ्री फेस लोगों का जो डायनेमिक्स है वो थोड़ा और तिरछा रहता है और कन्वेंशनल लोगों का थोड़ा कम रहता है। तो इस प्रकार देख कर आप पहचान सकते हैं। और जिस जब आप लाइन पे चलेंगे तो प्रैक्टिकली एक दो बार या दो चार बार वर्किंग कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि थ्री फेस लोगों कौन सा है, कन्वेंशनल लोगों कौन सा है। उसकी बोगी को भी देख के पहचान सकते हैं, बोगी में भी सो मेनी डिफरेंस है। कंप्रेशर को देख के पहचान जाइए, अगर कंप्रेशर अंडर फ्रेम में लगा है तो वो थ्री फेज लोको है, सीधी सी बात है, क्योंकि किसी भी कन्वेंशनल लोको में कंप्रेशर अंडर फ्रेम में नहीं होता, सिर्फ थ्री फेज लोको में ही अंडर फ्रेम में होता है। तो इस प्रकार आप देख कर पहचान सकते हैं। अगर आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर ऊपर देख के तो पूरा नक्शा ही चेंज हो जाता है, तो आप देख के तुरंत पहचान जाएंगे। अब नंबर के अनुसार कन्वेंशनल लोको जो होते हैं वो WAG 5, WAG 7, WM 4 या WFP 4, इस प्रकार के लोको होते हैं, और इनका जो सीरियल नंबर है, जैसे WG5 का 23 से स्टार्ट होता है, 23,000 से भी होता है, 24,000 से भी होता है, 25,000 से भी होता है, फिर WG7 है 27,000 से होता है, 28,000 से होता है, इस प्रकार होता है। और थ्री फेज लोको का वो 30,000 से स्टार्ट होता है, 31,000 वाला WG9 होता है, 30,200 तक का WP5, 30,200 ज्यादा वाला फिर वापस WP7, इस प्रकार। लेकिन नंबरों पे ज्यादा जाने की जरूरत है, वो एक जस्ट आइडिया हो जाता है। आपको पहचानना है तो आप उसकी शक्ल देख के पहचान सकते हैं। वर्किंग में भी उसका थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, जैसे नॉच लेने का तरीका, ब्रेक लगाने का तरीका, जो रियोस्टेटिक ब्रेक लगाते हैं उसमें रीजनरेटिव ब्रेक है, इसमें रियोस्टेटिक ब्रेक है, तो काफी अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार मुझे आशा है कि आप जब दो चार बार इस लोको को देखेंगे, वर्किंग करेंगे, तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने, अमित मेश्राम जी ने लिखा है कि हमको कन्फ्यूजन हो जाता है, और जब कॉल आता है तो वो नंबर के साथ बताता है लोको, तो नंबर देख के भी आप पहचान जाइए किस टाइप का लोको है। वैसे तो आपने सभी लोगों का ट्रेनिंग ले लिया इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने पहचानने का तरीका पूछा तो मैंने पहचान का तरीका बताया। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ टिप्स की जरूरत रहती है,
तो इसी प्रकार के हेल्थ टिप्स आप अगर ऑडियो में सुनना चाहते हैं तो मेरी जो डॉटर है वो डॉक्टर है और उसका भी एक खबरी का ऐप उन्होंने चैनल बनाया हुआ है, उस चैनल का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप जाकर उन्हें भी फॉलो कीजिए और अच्छे अच्छे हेल्थ के टिप्स सुनते रहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें। जीवन में हमेशा परेशानी रहने वाली है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए घबराइए मत, प्रसन्न मन से नौकरी पर जाइए और प्रसन्न रहिए। जय श्री राम।